नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश भांबू, आपका स्वागत है सभी का। और आज जो ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये बड़ा ही दुखद वीडियो है, लेकिन इसका हकीकत का पता नहीं है, क्योंकि इसका ये पता नहीं है साथियों कि ये वीडियो कौन से किसान की, ये कहां से है। मेरे पास एक मेरे किसान मित्र ने इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड किया है, और वो बता रहे हैं कि ये वीडियो अबोर साइड से है, अबोर पंजाब से है। और ये किसान भी इस वीडियो के अंदर लास्ट में बता रहा है कि नरमे के अंदर फंगस का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है, इस कारण हम इस खड़ी फसल को बुआई करने का कार्य है वो कर रहे हैं, ये फंगस कंट्रोल नहीं हो रही है। तो और साथियों, कुछ ना कुछ थोड़ा सा बीच में वीडियो के पीछे जो वॉइस आ रही है, तो उससे ये भी लग रहा है कि कुछ फंगस का अटैक न होने की बजाय अगर उसमें कोई और रीजन हो सकता है इनका बुआई करने का, 100 रीजन हो सकते हैं। तो इसमें साथियों हकीकत नहीं पता चला है अभी तक। मैं यही आप सबसे पूछना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो के बारे में अगर आपको कोई सच्चाई मालूम हो कि इस नरमे की अच्छी खासी फसल को बढ़ने का कारण क्या है, क्या ये फंगस का इतना अटैक है उसके कारण बारे हैं, क्योंकि नरमे में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जहाँ तक वीडियो बड़ा क्लियर सा दिख रहा है कि नरमे की अच्छी खासी फसल को ट्रैक्टर के माध्यम से इसकी अच्छे से बुआई की जा रही है तोई के माध्यम से, लेकिन क्यों की जा रही है। इस वीडियो के लास्ट में इस भाई ने बताया कि जी फंगस का अटैक ज़्यादा आ गया इसलिए कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसी कौन सी फंगस आ गई कि इतनी अच्छी खासी फसल को हमें तबाह करना पड़े। तो साथियों, अगर ऐसा है भी हकीकत भी, तो साथियों एक बार मुझे मौका ज़रूर दें, मैं आपकी इस समस्या का हल कर सकता हूँ। क्योंकि साथियों, इतना तो विश्वास हमारे को होना ही चाहिए कि इतना बायोटेक्निकल तरीके से हम कितने भी खतरनाक फंगस हो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि नरमे की फसल है साथियों, आपने देखा होगा कि मिर्च की सब्जी लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, या भिंडी की खेती करते हैं, या बागवानी करने वाले किसानों को देखिए, जहाँ अमरूद के बाग में जड़ों के बड़ी सूखी फंगस आती है, और धान की बात करें साथियों तो उसमें बहुत सूखी फंगस आती है। तो हर एक फसल को फंगस से बचाया जा सकता है, तो ऐसा इसमें क्या हो गया कि हम इसको बचा नहीं सकते। हो सकता है कोई और रीज़न हो, और एक मजाक करने के लिए इस वीडियो को बना के और किसानों को चिंतित किया जा रहा है, तो इसमें हो सकता है कुछ और रीजन हो। तो कृपया करके जरूर किसी को पता लगे तो बताएं कि समस्या क्या है। अगर हकीकत में कुछ एरिया में ऐसी कुछ समस्या है, तो साथियों आप एक बार प्लीज़ मेरे से संपर्क जरूर करें। मैं आपकी समस्या का पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मालिक की कृपा से हम इस समस्या का हल जरूर ढूंढ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि इसका हल ना ढूंढ सके, एक सप्रे दो सप्रे के अंदर इसका हल किया जा सकता है। आप देखिए आगे किस तरीके से किसान आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और इसके बारे में साथियों अगर आपको कोई जानकारी मिले तो ज़रूर बताएं। ये मेरे एक साथी ने मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन पे भी वो चिंतित महसूस हो रहे थे कि ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिससे ये नौबत आ जाए हमारे को। तो ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप देखना। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं आप सब किसानों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि इसकी हकीकत जो है वो सामने आ सके। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लास्ट तक देख के बताइए किसान भाइयों क्या क्या कारण है इसका। तो आगे फिर हम खेती बाड़ी की अच्छी सी जानकारी लेकर आते रहते हैं, आपकी बार भी आएंगे। देखिए छोटी थोड़ी सी वीडियो में किसान आपस में किस तरीके से बात कर रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के भाव बढ़ने से किसानों ने प्रदर्शन किया है, उसी दौरान ये वीडियो कहीं ना कहीं चल रहा है। तो चलो, वो एक अलग विचार है, सरकार का विरोध करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसान इस नरमे की फसल में जो फंगस की समस्या बता रहे हैं वो एक अलग विचार है। तो इसके बारे में हकीकत जो है वो जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों। मोदी ने सिखा देना तो ठेके थे क्या? नहीं, हाँ ठेके थे, ठेके थे भरावा, 30,000 रुपया ठेका देता है, नरमा बाई जाता है। जिमीदार की करूगा यार, मारिया का जिमीदार जमा भैन जो है। आ मोदी के कारनामे है, सारे रगड़ते भरावा फसल मसा बीजी जी ठेके से लैके 40,000 रुपया ठेका है।
मोदी ने कन्न में रुपये लीटर तेल करता हूँ। भाई जी अब क्या कह रहे हो? जमींदार जमा ही मारिया गरीब बंदा सी अगे मसा फसल सी आ देखो जी ये जमींदार जमा नरमा बाही जांदा बेचारा की करे ठेके ते लै के बाजदा कुछ ही नहीं गा अगे पैलियां दे विच नरमा खराब हो गया इहदा उत्तों आ डीजल दे महंगे रेट है गए आ गुदारा साहब हैगा अजा गुदारा की करिए जी बहुत घाटे चली जाते हैं।